मामला ये आया है, हम लोग संज्ञान में कल ही आया है और वहाँ रिटर्न लेके हम लोगों ने FIR दर्ज कर दिया है। जांच में DSP साहब को मैंने दिया है और इंस्पेक्टर भी लगे हुए हैं। किस हद तक की घटना है, किसका क्या संलिप्तता है, समस्त बिंदु पर हम लोग जांच पड़ताल शुरू कर दिए हैं। दोषी पाए जाने के वाले लोगों के विरुद्ध में सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। क्या शिकायत करी थी आप लोग इनिशियली? शिकायत चूँकि ग्रामीण में स्कूल में कुछ मैटर हुआ था, जो लोग आपस में ही तस्वीर कर रहे थे, लेकिन जब हमको दूसरे माध्यम से सूचना मिली सीनियर SP महोदय को, इमीडिएट मैंने भेजा, वहाँ पर इंस्पेक्टर खुद गए और देखे कि लोग उलझना चाह रहे हैं या उलझ रहे हैं। जो भी मामला उसको लेकर हम लोगों ने थाना आया और एक रिटर्न लिया, रिटर्न देके फिर FIR हो गया। जैसा कि इंस्पेक्शन के तहत मामला दर्ज हुआ वो देख के FIR के हम डिटेल्स दे देते हैं, जैसा हुआ हो जैसा लिखे होंगे उसी सेक्शन में हुआ है, ठीक है ना। इसमें एक अलग रंग देने की भी कोशिश की जा रही है, उसमें नहीं जाना है ऐसा। यहाँ के लोग सारे लोग समझदार हैं, है ना, और कानून का पालन करने वाले। गलती करने वाले को रांची पुलिस बख्शने नहीं जा रही और निर्दोष को बिल्कुल कोई कुछ नहीं, ठीक है। शिकायत मिली है या कई बच्चों ने शिकायत दिया है, क्या वो माइनर है? टीम बन गई है जांच करने के लिए, वो टीम आ रही है, कल से शुरू हुआ है। जांच के बाद फिर अपडेट करेंगे आपको। थैंक यू। सर कितनी सदस्य टीम है? DSP साहब के नेतृत्व में हम लोगों दे दिया है, ऐसा कोई बात नहीं। DSP साहब सिली के जो DSP है, इंस्पेक्टर है, IO है, सारे लोग है, जांच कर रहे हैं। किसी को भी उसके बाद अपडेट देंगे ना भाई, फिर आप मिलिएगा ना, ऐसा थोड़े है कि इसके बाद भी कुछ। चलिए देख लेते हैं, जांच चल रहा है ना।